सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाहरगढ़ एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम गजराज एंड यू वॉचिंग नरुका व्लॉग्स। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है उसमें आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज अपन नाहरगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइज, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको आज का पूरा नाहरगढ़ का टूर कराऊंगा। नाहरगढ़ कैसे जाएँ, नाहरगढ़ का नाम कैसे पड़ा, उसकी हिस्ट्री, बाकी पूरी जानकारी जो आपको मैं आज दूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वीडियो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज़, फाइनली अपन पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, नाहरगढ़ फोर्ट का मेन एंट्रेंस है, इसका नाम है ताड़ी गेट। यही मेन एंट्रेंस, यहीं से नाहरगढ़ फोर्ट जो है वो स्टार्ट होता है। इसके अगर आप चाहते हो तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट की जो प्राइस है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो टिकट की प्राइस आप देख पा रहे हैं भाई, ये जो टिकट है, अगर आप इंडियन टूरिस्ट हो तो आपको टिकट का प्राइस है 50 रुपये। अगर आप इंडियन स्टूडेंट हो, अगर आपके पास आई कार्ड है तो आप वो दिखाते हो तो आपको यहाँ पे लगभग 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप फॉरेनर हो तो लगभग 200 रुपये का यहाँ का टिकट है। अगर फॉरेनर स्टूडेंट हो तो उसके लिए लगभग 50 रुपये का टिकट है। तो गाइस आइए चलते हैं अपन अंदर और आपको दिखाते हैं आज नाहरगढ़ का पूरा फोर्ट। गाइस, अपन पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के मेन पैलेस यानी कि माधवेंद्र पैलेस में। जो ये मेन पैलेस, इसका नाम है माधवेंद्र पैलेस। आगे की जो जानकारी आपको आगे दूंगा कि कैसे इसका नाम पड़ा, किसने इसका निर्माण कराया, कब ये बनाया गया, बाकी की जानकारी आपको आगे दी जाएगी, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो गाइस चलते हैं अपन इस माधवेंद्र पैलेस का टूर करने। तो गाइस ये है इसका मेन एंट्रेंस। अपन जस्ट, तो गाइस अगर अपन बात करें इस नाहरगढ़ फोर्ट की हिस्ट्री की, तो ये जो फोर्ट है नाहरगढ़ फोर्ट, इसकी जो न्यू है वो महाराजा सवाई जयसिंह ने सन 1700 में रखी थी, और इसको लगभग पूरा होने में लगभग 300 साल बीत गए थे। यानी कि 3 पीढ़ी ने मिलकर इस फोर्ट का निर्माण कराया था। जो इसको पूरा किया था वो किया था महाराजा माधो सिंह ने सन 1922 में, लगभग बन के ये तैयार हुआ था। और जो ये आप देख रहे हैं ये पैलेस है, ये डबल मंजिल पैलेस है, आपको दिख ही रहा होगा दोनों तरफ डबल मंजिल है। ये जो मंजिल है, मतलब टोटल इसके अंदर 9 महल है, और ये जो 9 महल है ये महाराजा माधो सिंह जी ने अपनी रानियों के लिए बनाया था। और जो आप नीचे वाली बिल्डिंग है, इसी मतलब ये सर्दियों में इसी में रहता था, सेकंड वाली बिल्डिंग है उसमें इसको गर्मियों में यूज़ किया जाता था। ये जो आपको मेरे पीछे जो विंडो दिख रही है, इस विंडो से आपको जयपुर का पूरा व्यू दिख जाएगा, यानी कि यहाँ से पूरा जयपुर आपको दिखेगा, बहुत ही शानदार। तो आज ये है पिंक सिटी, आप देख पा रहे हैं, पता नहीं कैमरे में यार क्लियरिटी आ रही है या नहीं, बट काफ़ी अच्छा व्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलता है जयपुर का। जो महल है ये कुछ अंदर से इस तरह का दिखता है, आप देख लो, ये है फर्स्ट महल, यानी कि रानियाँ जो है इसी महल में रहा करती थी। और ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है स्पेशली रानियों के लिए ही बनाया गया था, यानी कि राजा ने ये जो फोर्ट है रानियों के लिए बनाया गया था। आप देख रहे हो काफ़ी शानदार सा महल है, काफ़ी अच्छा। जो कलर है, वैसे जो कलर इसमें आपको दिख रहा है क्या हुआ कलर, ये बाद में क्या हुआ, पहले का कलर नहीं है। बाकी महल काफ़ी अच्छा है, इसी महल में रानियाँ रहा करती थी। अभी आपको दिख रहा होगा साइज, छोटा सा जो दिख रहा है, ये मतलब सर्दियों के अंदर इसमें आग जलाई जाती थी सर्दियों के दिनों में, ताकि गर्मी बनी रहे। बाकी आप देख रहे हो महल काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शानदार तरीके से बनाया हुआ है। बाकी जो ये कलर वगैरह है तो इसमें बाद में किए हुए हैं। तो आज आपको लेकर चलते हैं रानियों के किचन में। ये जो आपको दिख रहा है ये किचन है, मतलब ये जो महल है, जैसे आपको बताया कि इसमें 9 महल है, तो हर एक महल के अंदर ऐसे पूरा स्ट्रक्चर इसे सेम बना हुआ है, हर एक महल से किचन बने हुए हैं सेम। आपको देख रहे हैं ये जो किचन है, जो पुराने जमाने के किचन थे वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे। आप देख रहे हो किचन में जो साइड में आपको दिख रहा होगा, ये आपको छोटी सी अंदर दिख रही है वो चिमनी है, यानी कि जो यहाँ पे खाना बनाए कहते थे, तो खाने बनाने के लिए, बनाने के बाद जो उसमें धुआं निकलता था वो उस चिमनी के द्वारा बाहर चला जाता था। तो गाइस अब अपन बात करें कि नाहरगढ़ जो है, इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा, तो आपको बता दूँ कि इससे पहले जो शुरू में जब इसके निर्माण किया गया था, तो उसका नाम था सुदर्शनगढ़ के नाम से इसको जाना जाता था। उसका नाम बाद में नाहरगढ़ किया गया, और नाहरगढ़ क्यों किया गया है इसके पीछे की दो थ्योरी। एक थ्योरी तो ये कहती है कि जो नाहरगढ़ था यहाँ, मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी बहुत बड़ा जंगल है, आपको दिख रहा हो तो मैं एक बार दिखा दूँ आपको, पता नहीं यहाँ से दिख पाएगा नहीं, आप देख रहे हैं ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पूरा जंगल है, यानी कि नाहरगढ़ जो बायोलॉजिकल पार्क है वो यही है, बहुत बड़ा जंगल है। तो इस जंगल में जो थे नाहर यानी कि शेर यानी कि टाइगर, जो टाइगर थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे थे, तो उस उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है नाहरगढ़ रखा गया है। और दूसरी थ्योरी ये है कि जो राठौर फ्रेंड्स थे नाहर सिंह भूमिया, वो उनके नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया, उनका एक मंदिर ही बनाया हुआ है, तो उनके नाम से ही इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया।
बाकी अगर नाहरगढ़ आप आते हो और अगर आपको जयपुर का सबसे बेस्ट व्यू कहीं से मिल सकता तो वो गाइस यहीं से हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे पूरा जयपुर सिटी आपको दिख रहा है, मतलब जयपुर का जो सबसे बेस्ट और सबसे शानदार जो व्यू मिलेगा आपको यहीं से मिलेगा। आप यहाँ आइए, आपको मतलब जयपुर अगर देखना है पूरा किसी भी जगह से जयपुर अगर व्यू देख सकता तो आपको वो यहीं से दिखेगा। आपको दिख रहा है पूरा जयपुर सिटी यहाँ से मतलब नज़र आता है। पता नहीं कैमरे में आप देख पा रहे हो या नहीं, क्योंकि जो है धूप काफ़ी, आज मौसम थोड़ा साफ़ नहीं है, क्लियरिटी नहीं है मौसम में, इसलिए आपको साफ दिख नहीं पा रहा होगा, बट यहाँ से पूरे जयपुर सिटी का एक शानदार सा व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। अगर अपन बात करें कि आप नाहरगढ़ कैसे पहुँचे, तो आप नाहरगढ़ बाई ट्रेन या बाई फ्लाइट भी आ सकते हैं। तो जयपुर का जो एयरपोर्ट है वहाँ से नाहरगढ़ लगभग 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है, तो आप एयरपोर्ट से कैब लेके यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर बाय ट्रेन आप आते हैं तो रेलवे स्टेशन से लगभग 5 या 6 किलोमीटर नाहरगढ़ फोर्ट पड़ता है, तो आप यहाँ बाय ट्रेन, बाय बस या बाय फ्लाइट भी यहाँ पे आ सकते हैं। आपको वहाँ से मुश्किल से 200 या 250 में कैब मिल जाएगी, और अगर आप अगर ग्रुप में आते हो तो आपको और भी सस्ती कैब वहाँ से मिल जाएगी। आप रेलवे स्टेशन या फिर जो एयरपोर्ट है वहाँ से जैसे बाहर निकलोगे तो वहाँ पे आपको कैब अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप नाहरगढ़ हैं वही फेमस और ऐतिहासिक बावड़ी में, जो नाहरगढ़ के थोड़ी साइड में है। अगर यहाँ आओ तो आप किसी से पूछ लेना कि बावड़ी कहाँ है, और आप यहाँ के जो विजिट करें, ये बावड़ी आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है आमिर खान की एक मूवी आई थी रंग दे बसंती, उसका जो एक सॉन्ग है वो यहीं पे शूट हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लें, जो आमिर खान और सरमन जोशी, आपको जस्ट मेरे जो सामने आपको जो वेल दिख रही है सामने, जस्ट सामने वहीं पे दोनों खड़े होते हैं, वहीं पे बियर पी रहे होते हैं, और वहीं से सरमन जोशी इस पानी के अंदर कूद जाता है। अगर आपने वो मूवी देखी नहीं तो आप एक बार देखिए, आपको फिर ये समझ में आएगा कि ये बावड़ी मतलब कितनी फेमस है, कितनी ऐसी ऐतिहासिक। गाइज अगर आप नाहरगढ़ घूमने आओ तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हो सके तो मानसून के दिनों में यहाँ आए, क्योंकि इस टाइम काफ़ी हरियाली रहती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा आपको मतलब काफ़ी सुकून मिलेगा यहाँ के। अगर आप गर्मियों में आते हो तो मतलब कुछ खास आपको देखने को मिलेगा नहीं यार, क्योंकि जंगल, ये जो राजस्थान के जंगल होते हैं ये मानसून पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे बारिश वारिश होगी तो ही आपको यहाँ पे कुछ अच्छे से व्यूज़ दिख पाएंगे, क्योंकि अभी आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हो पूरी जो झाड़ियाँ, ये पूरी देखो पेड़ सूखे हुए हैं, पूरे सूखे हुए पेड़ है, और ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे पूरे सूख जाएंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का नाहरगढ़ का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो फिर देरी किस बात की, जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा।